Hello students, in previous lecture we discussed about three phylum. Yaad karo, Annelida, Platyhelminthes and Asclepiomycetes. हमने ये तीनों phylum last lecture में study किए थे. तो बेटा, in this lecture today we are going to study regarding phylum Arthropoda and phylum Mollusca. Okay? तो चलो start करते हैं. Both are most important theory. Okay, उसमें से एक में भी questions आते हैं. Okay, तो phylum Arthropoda, it is also known as phylum of insect. उसको insect का phylum बोलते हैं बेटा. Clear? This is the largest phylum of animal kingdom. कि पूरी earth पे जितने भी animal है, okay, उसमें सबसे ज्यादा कौन है बेटा? Insects है. कौन है? Insects है. Okay, more than 70% animal on this earth are insect. चलो आ जाओ. This is largest phylum of Animalia. जो animal kingdom है उसमें सबसे बड़ा वाला largest phylum कौन है? तो आंसर होगा Arthropoda. Okay, it includes insects. Over 2/3 species on earth are insect. कि पूरी अर्थ में 2/3 species है वो कौन है? इंसेक्ट है. मतलब 3 एनिमल है तो 3 एनिमल्स में से 2 एनिमल कौन होगी? इंसेक्ट होगी. सपोज 30 लाख एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसमें 20 लाख कौन होगे भाई? इंसेक्ट होगे. क्लियर? तो ओवर 2/3 species on earth are insect. Insect means Arthropoda. कहाँ से नाम आया Arthropoda? देखो नीचे है. Arthropoda, arthros, it is a Latin word. उसका meaning होता है joint. And poda, poda मतलब appendages, legs. तो उसके पास जो legs हैं, वो joint leg है. है ना? आपने cockroach को देखा होगा. Okay? Then दूसरा किसको? Housefly को देखा होगा. Honeybee को देखा होगा. They are having joint leg. Okay, that's why they are known as Arthropoda. Arthros meaning joint and poda matlab appendages. Okay, so level of organization kaun sa hai? So they are having organ system level of organization. Uske paas hi hamare jaise respiratory system, digestive system, reproductive system develop. Symmetry is bilateral. मतलब बॉडी कोई एक ही प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवीजन होती है. बायलैटरल सिमेट्री. क्लियर? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल. ओके, द बॉडी ऑफ एनिमल फॉर्म्ड फ्रॉम थ्री जर्मिनल लेयर. ये एनिमल की बॉडी थ्री जर्मिनल लेयर में से फॉर्म हुई है. एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. So the animal is known as triploblastic. Clear? आपने कॉकरोच को देखा होगा. बॉडी कैसे सेगमेंटेड? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. उसकी बॉडी खाली बाहर से ही सेगमेंटेड है, अंदर से नहीं. अर्थवर्म की बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड. बट इन केस ऑफ Arthropoda बॉडी इज सेगमेंटेड ओनली बाय एक्सटर्नल साइड. Okay, so the body is segmented and cilomate animal, body cavity is present. Okay, exoskeleton is chitinous. Exoskeleton kiska bana hota hai? Chitinous important. Okay, ye segmentation kaun sa hai? External segmentation. Exoskeleton is chitinous. Body is divided into three parts. Body of Arthropoda divided into three part. First head, second thorax and third abdomen. याद रखना है. Head, thorax and abdomen. Arthropoda नाम कहाँ से आया? अभी मैंने बोला. Arthros मतलब joint and poda मतलब appendages. Okay. Respiratory organ कौन से? Okay. अभी Arthropoda is the largest phylum.
Some arthropods lives in water, some in land मतलब terrestrial, ओके बेटा। तो आर्थ्रोपोड अलग-अलग जगह पे रहते हैं, उसी हिसाब से उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। दोज आर्थ्रोपोड हु लिव्स इन वाटर दे पजेस गिल्स एंड बुक गिल्स। समझ नहीं आया? क्लियर? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स उसमें कौन आएगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में बोलो। यस, कौन आएगा? प्रॉन्स, क्रैब, है ना? क्लियर? दे हैविंग गिल्स एंड बुक गिल्स, ओके। वेयर इज द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स? दे हैविंग बुक लंग और ट्रेकियल सिस्टम, ओके बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हियर ब्लड फ्लोस फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? सीधा हार्ट में से बॉडी ऑर्गन में चला जाता है ना। ब्लड फ्लोस फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन। समझ नहीं आया? टिश्यू सेज दे आर बाथ इन ब्लड। ब्लड के अंदर डूबी हुई होती है बेटा। सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज ओपन सर्कुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन। उसको सेंसेशन कैसे पता चलता है? हम जाते हैं तो कॉकरोच कैसे भाग जाता है? तो दे हम सेंसरी ऑर्गन। अपनी कॉकरोच के ऊपर दो दो लॉन्ग हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको एंटेना बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं बेटा? एंटेना बोलते हैं। तो भी कॉकरोच हैविंग, कॉकरोच लाइक इंसेक्ट हैविंग लॉन्ग हेलिक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज एंटीना। समझ गया? एंटीना क्या करता है कि उसको वाइब्रेशन पता चलता है। हम वॉक करते हैं सोयल पे, लैंड पे, जमीन पे वॉक करते हैं। समझ में आया? तो वो वाइब्रेट होती है, वो वाइब्रेशन को मेजर करता है कौन भी? एंटीना। समझ में आया? क्लियर? ओके चलो। आईज, सम आर्थ्रोपोड हैविंग सिंपल आईज वेयर सम आर्थ्रोपोड हैविंग कंपाउंड आई। ओके, आइस कैसी है? कंपाउंड होती है बेटा। क्लियर? चलो। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट किसको बोलते हैं? अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडाइट इज नोन एज स्टेटोसिस्ट। ओके, कभी हमने देखा होगा कि कोई कॉकरोच है, उसको इंजरी हुई और वो गुल गुल घूमने लगा। दे मूव राउंड एंड राउंड। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कॉकरोच गुल गुल घूमता है? क्या वो पागल हो गया है? नहीं, उसके कौन से ऑर्गन को डैमेज हुआ है? स्टेटोसिस्ट। एंड स्टेटोसिस्ट इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, पूरे बॉडी को बैलेंस करता है कॉकरोच के। पर उसको इंजरी होगी तो वो कंटिन्यूअसली मूव्स राउंड एंड राउंड। समझ में आया? क्लियर? ओके, सो सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटेना। ओके, उसके पास साउंड रिसेप्टर भी होते हैं एंटेना के पास। सेकेंड, आईज, सम इंसेक्ट हैविंग सिंपल आईज वेयर इज कॉकरोच लाइक इंसेक्ट हैविंग कंपाउंड आई। कंपाउंड आईज के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ऐसा होता है, उसको आर्ट इडियम बोलते हैं। तो कंपाउंड आईज के अंदर, कॉकरोच की कंपाउंड आईज के अंदर 2000 आर्ट इडियम होते हैं। तो कॉकरोच हमें दिखेगी ना, तो हमारी 2000 इमेज उसके आई के अंदर दिखेगी, तो उसको पता नहीं चलेगा ये कौन आया है, ये प्लांट आया है, एनिमल है, या कोई कोई अदर थिंग है। उसको पता नहीं चलेगा, उसको इतना पता चलेगा कोई आया। समझ में आया? क्लियर? उसका विजन है एकदम एक्यूरेट नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं है। उसको ऐसा नहीं पता चलेगा कि ह्यूमन बींग आया है या डॉग आया है या कैट आया है, पता चले कोई आया। सच विजन, ब्लर विजन मिलता है, ओके। क्यों? बिकॉज द कंपाउंड आई मेड अप ऑफ 2000 ऑमाटीडियम, और उससे हमारे कितने पीक उसको दिखते हैं? 2000 पीक। सारे पीक क्लियर होते नहीं है, ब्लर इमेज मिलती है। एंड सच इमेज इज नोन एज मोजोइक विजन। ये नहीं ट्रेवल है, ऐसे विजन को क्या बोलते हैं? ब्लर इमेज। और हमारे कितने पिक्चर दिखते हैं उसको? 2000। कॉकरोच की बात कर रही हूँ। सच विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन।
याद रखना है। ओके बेटा, ठीक है, चलो। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मल्टीपल ट्यूब्यूल्स। उसमें किडनी जैसा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं है, मल्टीपल ट्यूब्यूल्स। हाउ मेनी? 150। इन कॉकरोच, कॉकरोच दे आर हैविंग 150 मल्टीपल ट्यूब्यूल्स, याद रखना है। ओके बेटा, ऑल आर्थ्रोपोड्स दे आर डायोशियस, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, सो दे आर नोन एज डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल नहीं है वे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है, देन इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट, ओविपेरस दे लेज एग्स, एग्स विद देयर, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मतलब एग हैच होता है, टूटता है, तब उसमें से जो निकलता है, ओके, लार्वा निकलेगा तो उसको इंटरनल डेवलपमेंट बोलेंगे, और सीधा बेबी एनिमल जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। बेटा, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो आ जाओ, सम इंसेक्ट्स आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, बहुत यूजफुल होते हैं, एग्जाम्पल्स एपिस हनीबी, हनीबी का साइंटिफिक नेम है इंडियन हनीबी, इंडियन हनीबी का साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस इंडिका, इम्पोर्टेंट फॉर नेट। The scientific name of Indian honeybee is Apis indica. Bombyx silkworm, silk, पता है ना साड़ीज होती है ना, मदर पहनती होगी साड़ियाँ, सिल्क से बनी होती है, and silkworm that means bombyx, they produce silk. Lacifer, it is also known as leg insect. Okay, क्या produce करता है? Leg produce करता है, ओके, एनवेलप होते हैं उसके पैकिंग के लिए गवर्नमेंट वाले लीगली, ओके, जहां पे लीगल डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है ना, तो बड़ा सा एनवेलप होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट रखते हैं, एनवेलप करके, ओके, और जहां पे खुलते हैं वहां पे रेड कलर का ऐसे लेग का धब्बा मार देते हैं, कोई उसे खोल नहीं सकता, कोई खोलेगा तो पता चल जाएगा, बिकॉज वहां पे क्या होता है, लेग होता है बेटा, तो लेग इज प्रोड्यूस बाय लेसिफर। सेकेंड, सम इंसेक्ट आर द वेक्टर्स ऑफ वेरियस डिजीज, ओके, मलेरिया, देन एलेरिया, देन फिलारियसिस, एलिफेंटेसिस, चिकनगुनिया, ओके, उसमें वेक्टर कौन होता है? मॉस्किटो, ये सारे डिजीज मॉस्किटो एक जगह से एक ह्यूमन में से दूसरे ह्यूमन के अंदर फैलाते हैं बेटा, तो फैक्टर्स सच एज एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज दे आर मॉस्किटो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस डिजीज। ओके, ग्रेगारियस पेस्ट, ये नीट 2020 में पूछा हुआ है एमसीक्यू, अभी जो 4 डेज के पहले जो एग्जाम हुई है ना, उसमें ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेगारियस आर्थ्रोपोडा, तो आंसर क्या आया था? लोकस्टा, है ना, तिल बोलते हैं, एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप होता है ना उसको फिनिश कर देता है, क्लियर बेटा, फार्मर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, कौन? लोकस्टा, लोकस्ट भी बोलते हैं उसको, एंड इट इज अ ग्रेगारियस पेस्ट। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, इट इज ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब, आपने क्रैब देखा होगा, ओके, किंग क्रैब अभी होता ही है, उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, दूसरा नाम है लिमुलस, दोनों नाम सबके जितने भी दो दो नाम है सब नाम याद रखना है, ओके बेटा, नीट में कोई भी नाम पूछ सकते हैं, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम
आर्थर को उड़ा। क्लियर, समझ में आया बेटा? ये टॉपिक है ना, कैसा टॉपिक है? मल्टीपल टाइम रीडिंग करने वाला टॉपिक है, और उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उसकी, आप उसको पिन पेज के अंदर मेन मेन पॉइंट्स के छोटे छोटे कॉलम में डालो और उसको आपके डोर के पीछे ऐसे चिपका दो। जितने भी फाइल है उसके छोटे छोटे कॉलम पिन पेज में आ जाएंगे, ओके? और डेली नजर मार लो, लॉन्ग टाइम तक परमानेंट याद रह जाएंगे बेटा, ओके? चलो अच्छा, और नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का, ओके? ये उसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो मोलस्का फाइलम है ना बेटा, उसका बॉडी एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट होता है। इसीलिए उसका बॉडी किसके अंदर होता है? कैलकरस शेल के अंदर होता है, कैल्शियम का बना हुआ कवर है, जिसे हम शंख छिपला ऐसा बोलते हैं। शंख छिपला हमारे लिए फॉर्म होते हैं, नो, इट इज अ प्रोटेक्टिव, क्या है वो, एकदम प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, उसके अंदर सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्ट हो रहा है ना बेटा। तो चलो उसके बारे में हम करते हैं। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आंसर आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आंसर मोलस्का, ओके बेटा? चलो हैबिटेट, सम मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल वेयर सम मोलस्क आर एक्वेटिक, ओके? स्नेल है टेरेस्ट्रियल मोलस्क है, ओके? बाकी के सब मोलस्क है वो एक्वेटिक, क्लियर? ऑक्टोपस एक्वेटिक है ना बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, हमारे जैसी सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिमेट्रिक एज यूजुअल, बायलैटरल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिरेमिक एनिमल, याद रखना है, ओके? चलो, पर उसका स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है जो नीट में आ सकता है? अनसेगमेंटेड बॉडी, ओके? द बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन है ही नहीं, ओके? सो द अनसेगमेंटेड बॉडी एंड बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकरस शेल, कैलकरस का मतलब क्या है? CaCO3 का बना हुआ शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच, सिंपल लेवल। सो द बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकरस शेल। थर्ड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी किसमें, बॉडी बॉडी के अंदर क्या है? द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम, समझ में आया? क्लियर। ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस के पास क्या है? हेड है, यस। मस्कुलर फुट, हाँ है ना, उसके पास टेंटिकल्स जिससे तो वो मूव कर सकता है, और उपसम पोर्शन है दैट इज विसरल हम, क्लियर बेटा? ओके, नाउ मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी किसको बोलते हैं? तो बेटा ये एनिमल होते हैं ना, सपोज ये एनिमल है, एकदम सॉफ्ट बॉडी है, ये एनिमल है, तो वो क्या करता है? अपनी स्किन का थोड़ा पार्ट ऐसे उपसा देता है, ओके? उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और यहां पे ये नीचे का पार्ट जो उपसा हुआ है, ये उसका हम्प है, हम्प। एंड देयर इज अ कैविटी, यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे ये सब क्या है? कैविटी है। द कैविटी बिटवीन मेंटल एंड हम, इट इज नोन एज मेंटल कैविटी, समझ में आया? क्लियर। इन सच एनिमल दे स्वॉलन सम स्किन, ओके? उसकी ऊपर की जो स्किन है वो स्वेल हो गई है, ओके? थोड़ी हार्ड बन गई है, उसको बोलते हैं मेंटल। और उसके नीचे जो उसकी हम्प होती है, ओके? दोनों के बीच में गैप है, कैविटी है, इट इज नोन एज मेंटल कैविटी। एंड इन दिस मेंटल कैविटी अ स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ओके? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज नोन एज फैदर गिल्स,
ये क्या है? फेदर गिल्स। याद रखना है इम्पोर्टेंट। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भी व्हाट इज मेंटल कैविटी? अ कैविटी फॉर्मड बिटवीन मेंटल एंड हम, इट इज नोन एज मेंटल कैविटी। इनसाइड कैविटी स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज फेदर गिल्स इज प्रेजेंट। याद रखना है। चलो आ जाओ, मेंटल कैविटी की डेफिनेशन। द स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर गिल्स आर प्रेजेंट। ओके, गिल्स है तो फंक्शन क्या होगा? रेस्पिरेशन। लेकिन उसका एक्स्ट्रा फंक्शन भी है। द फंक्शन ऑफ फेदर गिल्स आर रेस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है बेटा। ओके, एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा, ऑक्टोपस देखा होगा। तो ये ऑक्टोपस कैसा होता है? ये ऑक्टोपस का देख ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ऑक्टोपस के? ऐसे टेंटिकल्स होते बहुत सारे। ओके क्लियर? ओके, सो एंटीरियर हेड, ये हेड का रीजन है, ये उसका हम्प है। ओके, दिस ये रीजन कौन सा? हेड का रीजन है, ये वाला हेड का रीजन है। एंड दिस इज टेंटिकल्स। ओके चलो नेक्स्ट, रेडुला। रेडुला इज अ स्पेशलिटी ऑफ मॉलिस्का। मॉलिस्का की स्पेशलिटी कौन कौन है? तो अनसेगमेंटेड बॉडी, मेंटल कैविटी एंड रेडुला। ओके, वो उसकी स्पेशलिटी है। तीन करेक्टर ऐसे जो किसी में नहीं है, दूसरे फाइलम में नहीं है। ओके तो चलो, रेड्यूला। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, चबाने का ऑर्गन है उसके पास। ओके, फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। उसका माउथ ऐसा होता है और उसके अंदर ऐसे फाइल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, द माउथ कंटेन फाइल लाइक रस्टिंग स्ट्रक्चर, रस्टिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, खाने के लिए। उसके पास ऐसे फाइल जैसे एकदम शार्प स्ट्रक्चर होता है फीडिंग करने के लिए। एंड इट इज नोन एज रेड्यूला। इंपॉर्टेंट, क्लियर? एनिमल इज डायोशियस। मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। ओविपेरस मतलब दे लेज एग्स। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा इज फॉर्म्ड। सीधा एग हैच होके, एग टूट के सीधा बेबी एनिमल नहीं निकलता है, लार्वा निकलता है, कीड़ा निकलता है। एंड दैट लार्वा अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है और धीरे धीरे उसका शेप उसके पैरेंट जैसा हो जाता है। सच डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर बेटा? ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। चलो आ जाओ, दोनों नाम कंपलसरी याद रखने हैं, रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, पहला एप्पल्स ने, सेकंड पिंक कटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर, थर्ड सीपिया कटल फिश। देख कटल फिश लिखा होगा तो फाइलम कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है? तो आंसर क्या है हमारे उसका, उसमें आप फिशेज नहीं लिख सकते। हाँ, स्क्विड लॉली को, स्क्विड को लॉली को भी बोलते हैं दोनों नाम। डेविल फिश ऑक्टोपस, नीट के अंदर जब एग्जाम आती है तो ऑक्टोपस नहीं लिखते, वो डेविल फिश लिखते हैं। समझ नहीं आया? स्क्विड नहीं लिखते, लॉली को लिखते हैं। हाँ, फिर सीपिया नहीं लिखते, कटल फिश लिखते हैं यार क्वेश्चंस के अंदर, तो ध्यान रखना है। तो ऑक्टोपस इज ऑल्सो नोन एज डेविल फिश। एप्लाइसिया इट इज ऑल्सो नोन एज सी हैग। डेंटालियम इट इज ऑल्सो नोन एज टस्क शेल। एंड चीटोप्लूरा इट इज नोन एज काइटोन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? काइटोन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम, एक नाम मस्त लर्न करना बेटा। ओके,
थैंक यू।